इस जर्नी में, अगर आपको एक अच्छा गुरु मिल जाए ना, जो कि मेरे केस में आई एम वेरी लकी कि मिल गया, तो आपकी नैया पार हो जाएगी। हेतवी अधिकारी ऑल एंड रैंक 6 राइट। तो राइट सर, सर हाउ आर यू फीलिंग? एम जस्ट सो ओवरवेल्म्ड विद ऑल द थिंग्स दैट हैव बीन गोइंग अराउंड राइट नाउ। यू डिजर्व इट, यू डिजर्व मतलब इट, यू अभी डिजर्व भी एवरी यकीन बिट ऑफ इट। नहीं हो रहा है, मतलब स्टिल इट नहीं, हमने इज आपको पढ़ाया था, वेरी सुरियल हमें पूरा एंड यकीन था कि आपका जो है रैंक आना चाहिए, और आपने एमईपीएल से 8ों पेपर लिए थे सीएमए फाइनल के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ जी ऑल यस 8 सब्जेक्ट, ऑल पेपर, ग्रेट। सो प्राउड हाँ मोमेंट फॉर अस, प्राउड यस मोमेंट फॉर यू, प्राउड मोमेंट फॉर योर पेरेंट्स। मम्मी पापा का पहला रिएक्शन क्या था? सर, उनके मतलब आंखों में आंसू थे, क्योंकि मैंने सर क्या हुआ था ना कि पेपर्स जैसे गए थे ना, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसे था कि हो सकता है कि मे बी एक दो सब्जेक्ट अटका दे या थोड़ा ऐसे, एंड उसी कारण से शायद ज्यादा मतलब मेहनत कर ली ऐसे। मैं मतलब हर कोई जो पूछ रहा है ना, एक्सपेक्टेड था कि रैंक था, नहीं था, मतलब सिर्फ ऐसे ही था कि बस फेल ना हो जाए, इसीलिए एवरी बिट और मतलब ऐसे रैंक बोले ना वो भी सर इतना बढ़िया लास्ट, रैंक, मतलब सिंगल ऐसे डिजिट रैंक। मतलब कोई मतलब ऐसे अपेक्षा नहीं थी, तो बोलते हैं ना सिर्फ ऐसे पढ़ने के खातिर बस पढ़ लिया कि फेल नहीं होना है, अब रिपीट नहीं करना है। अमेजिंग, अमेजिंग, जबरदस्त। हेतवी बताओ, बच्चों को बताओ कहाँ से हो आप? मैं एक्चुअली हूँ, शायद उन्होंने नाम सुना होगा, मेरा जो एग्जैक्ट सिटी है वो है मुंद्रा, अडानी का, हाँ, मुंद्रा पोर्ट सब जानते हैं। अडानी का पोत, हाँ वो मुंद्रा, मुंद्रा कच्छ गुजरात। गुजरात, गजब। हाउ वॉज योर यस सर, एक्सपीरियंस इन एमईपीएल? बहुत ही बढ़िया था, मतलब कस्टमर सपोर्ट जो होता है, एक टेक सपोर्ट जिसे कहते हैं कि मतलब अभी मैंने डाउट भेजा, मुझे तुरंत मतलब जवाब मिल गया कि ओके योर क्वेरी हैज बीन फॉरवर्डेड, एंड विद इन 24 आवर्स आई गॉट द उन फैकल्टी से सॉल्यूशन। मेरे को जवाब मिल जाता था। हम लोग पूरा कोशिश करते हैं, पूरी टीम, 24 आवर्स के अंदर रिजोल्यूशन मिले। कई बार यस अब जैसे सर मान लो से फॉर एग्जांपल कभी होली का छुट्टी, दिवाली का छुट्टी, या फिर से फॉर एग्जांपल इफ हाँ द पर्टिकुलर फैकल्टी इज नॉट वेल, देन इन दैट केस इट माइट बी डिलेड, बट ऑन एन एवरेज हम लोग जान लगा देते हैं, सच बताए तो। नहीं, इट वाज ऑल वेरी गुड, मतलब बहुत ही ज्यादा कोई कंप्लेंट नहीं है अभी। धन्यवाद। अच्छा हेतवी, ये शुरुआत बताओ कब सोचा कि दोनों ग्रुप साथ में देना है, और कितना मंथ्स से ही प्रिपरेशन किया, मतलब इंटर किस साल दिया था, और फाइनल तो ऑब्वियसली दिसंबर 22 में सर दिया। इंटर हाँ इंटर सर मैंने 2020 में दिया था, ओके एंड उसके बाद मेरा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग चल रहा था, ओके, मतलब डेढ़ तो डेढ़ साल लगभग प्रिपरेशन टाइम आपने लिया। आराम से राइट। ओके सो मतलब कि मेरे इंटर और फाइनल के बीच में टोटल 2 साल का अंतर है, 2020 2020 में करेक्ट इंटर करेक्ट, क्लियर एंड दिसंबर 2022 अभी, दैट्स ट्रू। तो हाँ मतलब कि शुरुआत से ही डिसाइडेड था, क्योंकि इंटर भी दोनों साथ में ही दिया था, तो बहुत इट बढ़िया, वाज डिसाइडेड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कि दोनों ग्रुप साथ में ही देना है और साथ में बिल्कुल। ही क्लियर मुझे करना है। नहीं समझ में आता, बच्चे एक एक ग्रुप करके देते हैं, इससे बढ़िया है कि 6 महीना वेट कर लो और हाँ दोनों ग्रुप साथ में दे दो। एग्जैक्टली दैट इज व्हाट आई डिड सर, क्योंकि मेरा क्या हुआ था कि मैंने मेरा दिसंबर तक, लास्ट ईयर दिसंबर तक आई वाज, मेरा ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका था, तो उसके बाद से मैंने एक अटेम्प्ट अपना जून वाला छोड़ा है, एंड देन दिसंबर में आई अपियर डायरेक्टली ये दोनों ग्रुप साथ में। अमेजिंग। अब मेरे को ये बताओ, आप ट्यूशंस कैसे मैनेज करते थे, सेल्फ स्टडी कैसे मैनेज करते थे, और फिर एग्जाम के ठीक 2 महीना पहले आपका क्या स्ट्रेटेजी रहा, और एग्जाम वाले दिन क्या स्ट्रेटेजी रहा? 3 क्वेश्चन है मेरा। जब ट्यूशंस चल रहा था उस समय कैसे मैनेज किए, एग्जाम के 2 महीना पहले क्या किए, और एग्जाम्स वाले दिन, बाप रे, 8 लगातार एग्जाम, हरक्यूलियस टास्क है, हरक्यूलियस टास्क। सर मतलब जीवन में अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि आपके जीवन में सबसे कठिन यही रहा होगा। यही था वो 8 दिन सर, मतलब वो 8 दिन तो बिल्कुल ही
भूल नहीं सकते हो वो, अगर आप वो सहन कर लेते हो ना, उसके बाद लाइफ में कुछ और नहीं है जो मैं सहन नहीं कर सकती। वही मैं अभी अब एक ये और लाइन मतलब बोलना चाह मेरा रहा था, सेम चीज, कि ये आर्ट पेपर देने के बाद एक अलग आपको अपने अंदर इंसान नजर आया होगा कि इससे बुरा क्या ही होगा मेरे साथ जीवन, कुछ भी कर लेंगे अब तो जीवन के साथ। मतलब कि अब इससे बुरा क्या ही हो सकता है, इतना ज्यादा प्रेशर झेल लिया, अब कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अब कुछ तोड़ नहीं सकता है मेरे को। ये चीज अगर आप ये 8 दिन किसी भी तरह निकाल लेते हो ना, और उस टाइम पे क्विट नहीं करते, तो फिर नहीं आ पा रहे आपकी। इसके एंड दो महीना कमिंग पहले बैक टू क्या किया योर प्रिपरेशन? सर, मेरा मैं यही कहूंगी कि कंसिस्टेंसी इज द की फर्स्ट ऑफ ऑल, कि आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा एंड आपको पढ़ाई को टाइम देना पड़ेगा। इफ इफ यू आर नॉट कंसिस्टेंट, तो ये वर्ड्स कड़वे लगेंगे बहुत से लोगों को, बट आई विल से कि इट इज वेरी इक्विवेलेंट टू, आप सीरियस ही नहीं हो आपके स्टडीज को लेके अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, तो आपको पढ़ना पड़ेगा एंड ये बात दैट जब टू हम रिविजन बोलते हैं के तो साथ। लोगों को डांट लगता है, बट कमिंग फ्रॉम हेतवी ये एक जो है ना सजेशन लगेगा। थैंक यू फॉर सेइंग दैट, यस कि सर, अगर आप कंसिस्टेंट मैं नहीं हो, हर बहाना बाजी किसी ढूंढ रहे हो, को तो आप सीरियस ही नहीं हो फिर कोर्स को लेकर। तो सीरियस ही नहीं हो फिर कोर्स को देखो, बिल्कुल ही करेक्ट है ये। एंड रही बात आपके मतलब कि पूरे कोर्स को कंप्लीट करने की, तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिसाइड कर लो आपका टारगेट क्या है। जैसे आई हैड डिसाइडेड कि ये 15 डेज में मेरा यहाँ से यहाँ तक पोर्शन कंप्लीट होना चाहिए, दैट मीन्स होना चाहिए। अगर जल्दी हो जाता है वेरी वेल एंड गुड, और अगर नहीं होता है तो मैं एक्स्ट्रा टाइम देके भी उसको कंप्लीट करूंगी, बट वो 15 डेज में मुझे वो चीज कंप्लीटेड चाहिए ऐसे। एंड आई यूज टू मेक माई रूटीन, मतलब वीकली रूटीन डिसाइडेड था, वीक में ही पहले से ये डिसाइडेड था कि मुझे कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, एंड वो चीज फिर टिक लगाते जाना है, क्योंकि अगर आप देखोगे आपके सामने वो चीज हासिल होते हुए टिक देखोगे, तो आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड यू विल ऑल्सो गेट मोटिवेटेड कि अभी और करते, चलो और टिक लगाते अभी इसमें। एंड रही बात क्लासेस की, तो क्लासेस में कोई बहाना ही नहीं चल सकता, यू हैव टू अटेंड एंड यू हैव टू अटेंड लाइव। अगर लाइव हो रहा है तो आपको करना पड़ेगा, आपको कुछ भी करके मैनेज करना पड़ेगा। एंड अगर क्लासेस रिकॉर्डेड भी हैं, तो एक लेवल ऑफ पेशेंस चाहिए कि आपको 2 घंटा बैठना है क्लासेस के सामने अपना जो भी फोन है लैपटॉप है लेके, एंड यू हैव टू कंप्लीट इट। अगर वो नहीं किया तो फिर बहुत बहुत ही सही कम बोला। चांसेस है कि आप अपना कोर्स टाइम पे कंप्लीट कर पाओ। मेरे हिसाब से मोटिवेशन के लिए यू नो ब्लेंडेड बैच बढ़िया रहता है, कि 50% लाइव हो जाए और 50-60% लाइव हो जाए, और बीच बीच में टीचर एक एक चैप्टर रिकॉर्डेड भी देते जाए, ताकि सिलेबस जो है पेस पर कंप्लीट हो। यस सर, दैट इज एक्सट्रीमली ट्रू, क्योंकि मेरा भी यही था। मतलब मेरे कुछ कुछ सब्जेक्ट्स रिकॉर्डेड थे एंड कुछ कुछ लाइव थे एमयूपीएल से, तो वो टीचर के साथ इंटरेक्शन जो होता था ना, वो ज्यादा थोड़ा मोटिवेट करता था, वो क्योंकि मोटिवेट कर देता टीचर है। भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिल्कुल आपके इस जर्नी में। अगर आपको एक अच्छा गुरु मिल जाए ना, जो कि मेरे केस में आई एम वेरी लकी कि मिल गया, तो आपकी नैया पार हो जाएगी। यू कैन आइदर मेक इट और ब्रेक इट एक अच्छा टीचर ढूंढकर। बहुत बहुत धन्यवाद हेतवी। हेतवी यस सर, अब बताओ, आप फ्यूचर प्लान्स क्या है बेटा? सो फ्यूचर में राइट नाउ आई एम प्लानिंग ऑन अटेंडिंग कैंपस, बहुत एंड बढ़िया, उसके बाद फिलहाल तो आई वांट टू मतलब मैं गेट द जॉब में ही एक्सपीरियंस इन द आगे कॉर्पोरेट बढ़ना सेक्टर, चाहती जॉब वगैरह। हूँ। हाँ यस, आई हैव बैकग्राउंड मेरा वही है, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग हाँ ही रही है। बिल्कुल, I've had training with an MNC, और वो भी listed MNC वेल्सपन से, तो that is the reason के मैं मेरा preference ही वही है ऐसे। यस बहुत बढ़िया। और कैंपस में अच्छे अच्छे प्लेसमेंट्स भी मिलते हैं तो, और रैंक होल्डर हो इस तो बार भाई तो मिठाई तो बनता श्योर सर, मतलब अगर मैं कोलकाता आ पाऊँ है। नहीं तो मैं आना ही तो है, हम मतलब लोग रैंक सबसे होल्डर लोग के लिए पहले फेलिसिटेशन सेरेमनी रखते हैं, तो उसमें आपको बुलाया जाएगा, आपको पक्का से आना रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल, मतलब 100%। इट वुड बी माय ड्रीम इफ आई एम एबल टू मीट ऑल ऑफ द फैकल्टीज यस जिनसे यस मैंने पढ़ाया है एब्सोल्यूट राइट नाउ। एब्सोल्यूट, आर ड्रीम यस ऑल्सो। सर, तो हेतवी वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, यू डिजर्व ऑल द सक्सेस, एवरी बिट ऑफ इट।
बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको और आपके पूरे परिवार थैंक को, एंड गॉड ब्लेस यू यू विथ इवन मोर सक्सेस एंड मोर हाइट। ओके चलो, थैंक यू थैंक सो मच। यू सर, एंड यस ऑल द थैंक यू सीएमए सर। स्टूडेंट्स, काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई भी सवाल हो तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा बाद बाकी सीएमए स्टूडेंट्स के साथ, ताकि उन्हें ये वंडरफुल इनसाइट्स जो हमने बातचीत किया वो शेयर हो सके। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर।